तो भाई न्यू ईयर आ गया और आपने भी फोटो एडिट करनी होगी, है ना। और आपने ऐसे पीछे गुब्बारे लगाने होंगे, टेक्स्ट वाले हैप्पी न्यू ईयर वाले गुब्बारे लगाने होंगे। तो वो कैसे बनाते हैं, वो सबसे इजी स्टेप बताऊंगा और शायद आपको ये ना पता हो, आई थिंक नहीं पता होगा। तो देखते हैं कैसे करना है। इस क्रामात को करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, एक का नाम है पिक्सल लैब और एक का नाम है IBX पेंट। पिक्सल लैब में आपको खोलना है और इसमें आपको कोई भी टेक्स्ट लिख लेना है। मैंने फिलहाल के लिए एक टेक्स्ट लिखा हुआ है H। आप कुछ भी लिख ले, अपना नाम लिख सकते हैं, आपका बर्थडे आ रहा है, आपके दोस्त का बर्थडे आ रहा है, और ऐसा फॉन्ट यूज़ करना है जिनके कॉर्नर्स राउंडिश हों, जैसे आपने देख लिया मैंने कौन सा रखा है, और उसको PNG फॉर्मेट में क्वालिटी को 100% करके सेव कर ले। अब आपको ओपन करना है अपना IBX पेंट X, इसको फिर अपने जो टेक्स्ट किया था उसको इंपोर्ट करना है। और ध्यान रखें कि जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा वही आपके टेक्स्ट का कलर बन जाएगा। सो आपको जो टेक्स्ट का कलर रखना हो, जो बलून का कलर रखना हो, वही बैकग्राउंड कलर भी रखें, तभी वो काम में आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा जरूर से कर लें। और जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर कुछ भी हो सकता है, आप मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ब्लैक ही रख लेना चाहे। और FX में जाके, इफेक्ट वाले में जाके, और आपको चूज़ करना है वाटर ड्रॉप राउंडेड। अब इसको अप्लाई करने के बाद वो सिंपली और गुब्बारा बन के आ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अब वो क्या करना है, सिंपली इसको उसके ऊपर टैप करना है, इस इफेक्ट के ऊपर, और इसकी जो थोड़ी से सेटिंग्स को चेंज करना है। आप सिंपली मेरे जो सेटिंग्स मैंने रखी हैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर खुद ये भाई जब विजुअली सबको दिख रहा है क्या हो रहा है ना उसके ऊपर, तो आप आराम से अपने हिसाब से देख सकते हो क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो आप देख सकते हो एक H बन के आ गया हमारे पास, ऐसे ही हम HAPPY दिवाली हैप्पी न्यू ईयर कुछ भी लिख लो भाई, हैप्पी बर्थडे लिख लो, या किसी का नाम लिख लो यार, जो मर्जी लिख लो, ठीक है, हर्ष लिख लो, दीपक लिख लो, या आपका नाम XYZ कुछ भी लिख लो। और अभी मैं इसको फिजुअली थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट कलर बैकग्राउंड में रखता हूँ, ताकि वो और खिल के आए। तो देख सकते हैं आप, एच एक बलून में बलून बन गया। और इसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो भाई, मिल जाते हैं टेक्स्ट बलून वाले, बट मैंने बोला कि अपने हाथ से कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता दें। तो अगर आपको अच्छी ट्रिक लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर तो नहीं करूँगी मुझे पता है, बट लाइक कर दें और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, से क्विक टिप के लिए हमको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।